हेलो चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल टू अवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंग्लिश बाय सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल बागपत। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी शैल रीड चैप्टर 8 ऑफ योर इंग्लिश बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लिटिल रेड राइडिंग हुड। स्टूडेंट्स, लिटिल रेड राइडिंग हुड एक छोटी लड़की है जो एक जंगल में रहती है। एक दिन वह अपनी दादी माँ से मिलने जाती है। आओ हम पढ़ेंगे कि वह कैसे अपनी दादी माँ से मिल पाती है। लेट्स स्टार्ट। लिटिल रेड राइडिंग हुड लिव्ड इन अ जंगल विद हर मदर। लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी माँ के साथ एक जंगल में रहती थी। वन डे लिटिल गर्ल वेंट टू सी हर ग्रैनी। एक दिन वह छोटी लड़की अपनी ग्रैनी, ग्रैनी होती है ग्रैंड मदर, दादी माँ, अपनी दादी माँ से मिलने गई। शी हैड अ टेस्टी केक इन हर बास्केट। उसकी बास्केट में एक स्वादिष्ट केक था। बास्केट मीन्स टोकरी। ऑन हर वे लिटिल रेड राइडिंग हुड मेट अ वॉल्फ। उसके रास्ते में लिटिल रेड राइडिंग हुड एक भेड़िए से मिली और हेलो सैड द वॉल्फ। भेड़िए ने कहा हेलो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? आई एम गोइंग टू सी माई ग्रैंड मदर। फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा कि मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रही हूँ। शी लिव्स इन अ हाउस बिहाइंड दोज ट्रीज। वह उन पेड़ों के पीछे एक घर में रहती है। द वॉल्फ रैन टू ग्रैनीज हाउस एंड एट ग्रैनी अप। वह भेड़िया दौड़कर दादी माँ के घर में गया और दादी माँ को खा गया। ही गोट इन टू ग्रैनीज बेड। और वह दादी माँ के बेड पर लेट गया। अ लिटिल लेटर अ लिटिल रेड राइडिंग हुड रीच्ड द हाउस। और थोड़ी देर बाद वह छोटी रेड राइडिंग हुड भी उस घर में पहुँच गई। She looked at the wolf. उसने भेड़िए को देखा। Granny, what big eyes you have? दादी माँ, तुम्हारी कितनी बड़ी आँखें हैं? All the better to see you with, said the wolf. फिर उस भेड़िए ने कहा कि हाँ, तुम्हें देखने के लिए ये बेहतर हैं। Granny, what big ears you have? फिर Red Riding Hood ने कहा कि दादी माँ, तुम्हारे कान कितने बड़े हैं? Now all the better to hear you with, said the wolf. फिर भेड़िए ने कहा कि ये तुम्हें सुनने के लिए बेहतर हैं। Granny, what a big nose you have. फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड ने पूछा कि दादी, तुम्हारी कितनी बड़ी नाक है? All the better to smell you with, said the wolf. फिर भेड़िए ने कहा कि तुम्हें सूंघने के लिए ये बेहतर हैं। फिर से उसने पूछा, ग्रैनी व्हाट बिग टीथ यू हैव, कि दादी माँ, तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं? फिर भेड़िए ने जवाब दिया, ऑल द बेटर टू ईट यू विद, शाउटेड द वॉल्फ। फिर वह भेड़िया चिल्लाया कि ये तुम्हें खाने के लिए बेहतर हैं। अ वुड कटर वॉज चॉपिंग वुड इन द जंगल। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। वुड कटर होता है लकड़हारा, जो लकड़ी काटता है। Heard a loud voice and ran to the house. उसने वह तेज आवाज़ सुनी और वह घर की तरफ दौड़ा। The woodcutter hit the wolf. उस लकड़हारे ने भेड़िए को मारा। The wolf opened his mouth wide and shouted and granny jumped out. भेड़िए ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और वह चिल्लाया। और जैसे ही वह चिल्लाया तो दादी माँ उसके मुँह से बाहर कूद गई। द वॉल्फ रैन अवे। वह भेड़िया वहाँ से भाग गया। एंड लिटिल रेड राइडिंग हुड नेवर सा द वॉल्फ अगेन। और उसके बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उस भेड़िए को दोबारा कभी नहीं देखा। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू।